मंत्री का दर्जा त्याग कर शिवराज सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे कंप्यूटर बाबा ने सीएम और उनके मंत्रियों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार को समर्थन दे रहे संतों को सरकार का एजेंट बताया और अपने साथ आए संतों को असली संत बताया। आज मध्य प्रदेश के कोने कोने से, नर्मदा खंड के कोने कोने से संत समाज इकट्ठा हुआ है और आज शिवराज सरकार का काला चिट्ठा उजागर करेगा। बिल्कुल नहीं है, गलत बात है, आप झूठ बोलते हैं। आप चार बाबा उनके साथ हो गए हो तो समर्थन में, वो बाहर से मध्य प्रदेश के बाहर से पकड़ वोटर थोड़ी हैं, बाहर से पकड़ के ला रहे हैं, ये संत समाज। वहीं कंप्यूटर बाबा के साथ ही राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले योगेंद्र महंत फिलहाल शिवराज सरकार के ही समर्थन में है और उन्होंने राज्य मंत्री पद का त्याग भी नहीं किया है। योगेंद्र महंत के साथ ही कुछ और साधु संत और बाबा मिलकर शिवराज सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय माननीय कंप्यूटर बाबा साहब ने, उनका ये व्यक्तिगत निर्णय है, जो कारण है वो तो वो स्वयं ही बताएंगे कि किन कारणों से उन्होंने छोड़ा। मैं पंडित योगेंद्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो राज्य मंत्री का दर्जा देकर माँ नर्मदा की सेवा करने का जो अवसर प्रदान किया मध्य प्रदेश सरकार ने, मैं मेरा कार्य जारी रखूँ। चुनाव के दौरान सरकार से संतों की नाराजगी देखते हुए कांग्रेस ने भी साधु संतों को साधने की कवायद शुरू कर दी है और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को भी कुछ संतों का आशीर्वाद मिल चुका है। अब देखना है कि चुनाव में बाबाओं की खींचतान क्या रंग लाती है।